हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है थर्ड लेक्चर हमारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था 2D शेप्स, उसमें हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज, एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है, इसका एरिया, इसका सर्कमफ्रेंस जो भी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सर्कल को, सर्कल सुन के तो आपके माइंड में आ ही गया होगा कि सर्कल होता क्या है, उसकी शेप जो है वो कैसी होती है। सर्कल जो होता है बिल्कुल जो राउंड शेप होती है इसकी, ठीक। ये आपके पास आपका सर्कल है और ये जो है, ये पाथ जो है, ये लेंथ जो है इस सर्कल की, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। और इस बाउंड्री की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, इस बाउंड्री की जो लेंथ है ना, इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस, इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। तो अभी ये याद रखना आप। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि ये आपके पास आपका सर्कल है, ये आपके पास इसकी बाउंड्री आ गई, और ये जो है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल हमारे पास होता है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हमारे पास जो होता है, जो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि इस सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक जो मैं लाइन खींचूंगी ना, वो बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये जहां से भी मैं लाइन खींचू इस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक, ये सारी लाइन जो आपके पास होंगी, ये क्या होंगी? ये होंगी इक्वी डिस्टेंट, यानी बराबर होगी जहां से भी आप सेंटर से बाउंड्री तक की जो लाइन खींचोगे। तो हम क्या है, अब लिखेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल हमारे पास होता क्या है। सर्कल इज अ क्लोज फिगर, है ना, देखा ना अभी आपने भी, सर्कल जो आपके पास क्या है, ये क्लोज फिगर है, इन विच सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। और वो गिवन पॉइंट जो है आपका, वो क्या है, वो कहलाता है आपका सेंटर। अभी जो मैंने अभी आपको बोला कि आपके पास क्या है, सेंटर है, इस सेंटर से लेकर ये जो बाउंड्री है, ये क्या है, बाउंड्री किससे बनी, सेट ऑफ पॉइंट से ही बनी। तो ये बाउंड्री तक, बाउंड्री से लेकर इस सेंटर ऑफ सर्कल तक का जो भी डिस्टेंस हमारे पास होगा, जहां भी आप लाइन जो है वो ड्रॉ करोगे, वो आपके पास इक्वी डिस्टेंट होगा। तो ये आपके पास सर्कल की डेफिनेशन है। अब सर्कल में भी और बहुत सारी टर्म्स आती है जिनका जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बोलूंगी डायमीटर के बारे में कि डायमीटर जो है ऑफ अ सर्कल जो है वो क्या होता है। देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि यह है आपका सर्कल, ये है आपका सेंटर ऑफ सर्कल। एक लाइन आती है जो पास करती है कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके जाती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके जाती है। और ये लाइन जो है, ये हमारे सर्कल को बराबर दो हिस्से में बांटती है। तो यही लाइन जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। फिर से मैं रिपीट करूंगी, ये हमारा सर्कल है, सर्कल ये हमारा सेंटर है, ठीक है। एक लाइन आती है जो इस सेंटर से पास होके जाती है, इसको हम कहेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और इसके जो एंड पॉइंट्स हमारे पास होते हैं ना डायमीटर के, ये हमारे पास होते हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और ये डायमीटर हमारे पास जो है, हमारे सर्कल को बराबर दो हिस्से में बांटता है। तो आप क्या लिखोगे डायमीटर? डायमीटर की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ही है ना, तभी जाके इसके दो एंड पॉइंट्स थे, वो कहां पे लाई कर रहे हैं, हमारी सर्कल की बाउंड्री पे। डैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक, इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको यूजुअली हम डिनोट जो है स्मॉल डी के साथ करते हैं, डायमीटर को, ठीक। तो ये था आपका सर्कल और ये था आपका डायमीटर, ठीक। फिर से मैं रिपीट करूंगी, डायमीटर हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होगी होके जाती है, और इसके एंड पॉइंट जो हमारे पास होते हैं वो बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे होते हैं, लाइक करते हैं, और डी के साथ इस डायमीटर को हम डिनोट
करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। अब थर्ड टर्म जो है सर्कल की ही, वो हमारी है रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होता है, देखिए जी, ये हमारे पास हमारा सर्कल है, ठीक, ये हमारे पास हमारा सेंटर है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये आपके पास होता है आपका रेडियस। देखो, अभी मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन आती है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके जाती है, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसे हमें कहा था कि इसे हम बोलते हैं डायमीटर। लेकिन जो रेडियस हमारे पास होता है, रेडियस हमारे पास क्या होता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक ही होता है, ठीक, ये हमारे पास रेडियस। देखो अब आप कहीं से भी लाइन खींचो, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक, ये सारा आपके पास आपका रेडियस ही आएगा। और ये रेडियस देखो, ये रेडियस है बाउंड्री से लेकर सर्कल, सॉरी सेंटर से लेकर बाउंड्री तक, ये सेंटर से लेकर ये बाउंड्री तक, ये यहां से आ रहा है, ये भी यहां से आपके पास आ रहा है, यानी कि दो आर जो है मिलके बनाते हैं एक डायमीटर को, यानी डायमीटर हमारे पास वो होता है वो ट्वाइस रेडियस के बराबर होता है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल जो आपके पास क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, है ना, अभी हमने पढ़ा था सर्कल जो है वो सेट ऑफ पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर जो हम सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट पर जो कि आपके ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला कि जो लेंथ ऑफ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है उसी को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी जो ये है ना, ये आपके पास आपकी बाउंड्री है ना, इसी को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो डिस्टेंस जो हमारे पास है कहां से, सेंटर से लेकर टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। और दूसरी चीज हमने यहां से क्या देखी, दूसरी चीज हमने ये देखी कि जो हमारे पास आपका डायमीटर है, डायमीटर इसको ये भी आप ऐड कर देना कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यहां तो स्मॉल आर के साथ करते हैं और कभी कभी कैपिटल आर के साथ भी हम इसे कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, डायमीटर जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा टू टाइम्स रेडियस, है ना, टू टाइम्स रेडियस के बराबर हमारा डायमीटर होता है, यानी डायमीटर को डी के साथ हम दिखाएंगे, इक्वल टू ट्वाइस आर, ठीक। या हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि आर जो आपके पास है वो डी अपॉन टू के बराबर है, यानी रेडियस आपके पास जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ अ डायमीटर, रेडियस जो आपके पास होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो ये फार्मूला जो है वो आप याद रखेंगे या आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल समझ आ गया, रेडियस ऑफ अ सर्कल फिर से मैं रिपीट करूंगी, रेडियस ऑफ अ सर्कल आपके पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक। तो डायमीटर हमारे पास ट्वाइस आर के बराबर होता है, या आप बोल सकते हो कि रेडियस हमारे पास जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अब एक चीज आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं लेक्चर जो है हमारा आज का खत्म हो जाएगा। हम पढ़ेंगे आज कॉर्ड के बारे में, जो तीसरी टर्म जो हमारे पास आती है वो आती है कॉर्ड। कॉर्ड हमारे पास क्या होता है, कॉर्ड हमारे पास क्या होता है, देखो जी, ये हमारे पास हमारा सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर, ठीक। अब हमारे पास कॉर्ड, हमारे पास ऐसी लाइन सेगमेंट हमारे पास होती है जो सर्कल को दो हिस्से में बांटती है, इक्वली बांटती है, ठीक। अब देखो, ये है, ये भी कॉर्ड है, यहां से मैं ड्रॉ करूं कोई लाइन सेगमेंट, ये भी कॉर्ड है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, ये भी कॉर्ड है। अगर अभी हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो है
सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके एक लाइन आती है डायमीटर, डायमीटर भी कॉर्ड है क्योंकि कॉर्ड होता ही एक एसी लाइन सेगमेंट है जो हमारे पास हमारे सर्कल को दो हिस्से में बांटती है। अब डायमीटर जो है वो भी दो हिस्से में बांटती है, लेकिन डायमीटर जो है एक एसी कॉर्ड है जो सर्कल को बराबर दो हिस्से में भी बांटती है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी मानी जाती है। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड भी हमारे पास क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट ही होती है। किसकी तरह, डायमीटर की तरह, क्योंकि डायमीटर खुद भी एक कॉर्ड ही है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व इट डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स। तो नोट में एक चीज आप लिखेंगे कि डायमीटर आपके पास जो होता है, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जो डायमीटर आपके पास होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, किसकी, आपके सर्कल की। ठीक, तो ये हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ा, ये डायमीटर के बारे में बोला कि डायमीटर आपके पास होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसके एंड पॉइंट्स भी हमारे पास कहाँ पे होते हैं, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल पे होते हैं। ठीक, और एक चीज जो है आप इसमें याद रखेंगे, ये हमने कहा कि आपका सर्कल है और ये है आपकी एक कॉर्ड, ठीक है ना, ये क्या है आपकी कॉर्ड। देखो अब हमारे पास जो हमारा सर्कल है ये किसका बना, ये तो एक आर्क का ही बना है। देखो एक आर्क आ रही है ये वाली, एक आर्क आ रही है ये, देखो एक आर्क जो है वो बड़ी है एक छोटी है। अब जो छोटी होगी ये आर्क, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो बड़ी वाली आर्क है ना इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक, हाँ, अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो एक बड़ा सेगमेंट बन रहा है एक छोटा बन रहा है, तो छोटा वाला जो है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट और बड़े वाले हिस्से को हम बोलेंगे, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा। ठीक, तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है, बड़ा वाला सेगमेंट है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।